हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं देवेंदु भट्टाचार्य के सभी फिल्मों के बारे में। दोस्तों, इनकी पहली फिल्म आई थी एतबार, 2004 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है मकबूल, 2004 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है अब तक 56, 2004 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है मंगल पांडे द राइजिंग, 2005 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है अपना सपना मनी मनी, 2006 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है ब्लैक फ्राइडे, 2007 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है दन दना दन गोल, 2007 में रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है कभी सोचा भी न था, 2008 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है हुल्ला, 2008 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है देवडी, 2009 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है पैरों तले, 2012 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है चित्तागंग, 2012 में रिलीज हुई। फिल्म यह बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है लुटेरा, 2013 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है बीए पास, 2013 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बिलो एवरेज फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है गुड्डू रंगीला, 2015 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है मिसिंग ऑन ए वीकेंड, 2016 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है परी, 2018 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बिलो एवरेज फिल्म साबित रही। दोस्तों, वहीं इनकी अगली फिल्म आती है गांव द विलेज नो मोर, 2018 में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित रही। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देवेंदु भट्टाचार्य के सभी फिल्मों के बारे में बताया है। वीडियो कैसा लगा है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।